तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं फिर से आ चुका हूं नई वीडियो लेके। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप डीटी सन इंडिया का क्रैश को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो दोस्तों बिना टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि डीटीएस अनडेड क्रैश क्यों करता है, क्योंकि आपके फोन में जब रैम कम होती है तो वो क्रैश करते हैं। आप बहुत सारे मोड करते हो, जैसे कि कार मोड हो गया, क्लू मोड, बहुत सारे मोड इंस्टॉल करते हैं तो वो क्रैश करती है। तो क्रैश करने का कारण ये है कि उसमें रैम कम होती है आपके फोन में, और जो रैम होती है वो आप बोलोगे पहले फिर वर्क करती है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन यही है कि आपको रैम को बूस्ट करना होगा। आप बोलोगे कि रैम को बूस्ट, रैम ज़्यादा तो नहीं हो सकती, रैम तो उतनी रहेगी, रैम तो उतनी रहेगी, लेकिन अगर आपको 2 GB रैम है, अगर आपने कुछ और एप्लीकेशन यूज़ किया वो बैकग्राउंड में चल रही है, वो जो 2 GB से कम होगा 1 GB पर, क्योंकि 1 GB जो वो बैकग्राउंड में चल गया तो उस 1 GB में उसको हमें कम करना होता है। तो उसको कम कैसे करते हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जो कि लॉक है, उसको ऑन करने का तरीका कुछ सिंपल सा है कि आप जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके सामने कुछ है, इंटरफेस सामने आएगा सब्सक्राइब एंड लाइक। सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आप सब्सक्राइब वाले पेज पे ओपन हो जाएगा, आप चैनल पे ओपन हो गए, आपको सब्सक्राइब करना है। और फिर अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो एरर दिखाएगा, एप्लीकेशन का लिंक तो सही होगा लेकिन वो बताएगा कि इसमें तो आपने इसमें जो एप्लीकेशन की लिंक कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, अगर 2 नंबर काम करोगे तो आपका वर्क करेगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आपने ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सामने ऊपर नजर आ रहा होगा मेमोरी 648 है। तो यहाँ से नीचे लिखा हुआ है बूस्ट 817/6। तो ये 817/6 MB ये बैकग्राउंड में चल रही है इनकी। अब आप देख लीजिए 800 MB इनकी बैकग्राउंड में चल रही है। तो यहाँ से हम बूस्ट वाले बटन पर सिंपल आपने बूस्ट करना है, ये रियल रैम हो चुकी है और यहाँ से ये रैम हमारी पड़ चुकी है। तो अभी आप गेम को ओपन करोगे, अब जब भी गेम को ओपन करो तो गेम को ओपन करना सबसे पहले रैम को बूस्ट कर लेना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में अल्लाह।